नमस्कार, सुविद्या चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच, प्रेशर। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी टाइप की अगर स्टिमुलाई है कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, अगर आपको एकदम से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हो तो अपना हाथ अचानक से हटा लेते हैं हम लोग, या फिर लाइट आने से हमारी आँखें एकदम से बंद हो जाती हैं। तो ये कुछ स्टिमुलाई की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्ड देते हैं, तो वो किस हिसाब से कंट्रोल होता है और कैसे उसका कोऑर्डिनेशन होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स डन विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम। ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में, वो दो प्रोसेसेस के द्वारा, दो सिस्टम्स के द्वारा पूरा हो सकता है। पहला होगा नर्वस सिस्टम और दूसरा होगा एंडोक्राइन सिस्टम। तो समझने की बात है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों क्या करेंगे, ये एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम पूरा जो है वो न्यूरॉन्स या नर्व सेल के थ्रू बना होता है। और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या होंगे, पहला फंक्शन होगा टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सेकंड टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, जो भी स्टिमुलाई है जिसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना है, और तीसरा टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब यहाँ पर अभी हम बार बार स्टिमुलाई, स्टिमुलस या उसके अगेंस्ट हमारा रिस्पॉन्स, ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो स्टिमुलस की डेफिनेशन क्या होगी, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन टचिंग अ हॉट प्लेट। और रिस्पॉन्स क्या होगा, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस, विदड्रॉल ऑफ आवर हैंड इज रिस्पॉन्स, और किसी हॉट प्लेट का टच करना तो एनवायरनमेंट में चेंजेस जो है वो स्टिमुलस हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट हमने क्या प्रोसेस किया है वो हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा। अब इन सब रिस्पॉन्स को देने के लिए कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं वो ही हमारे रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। हियरिंग से रिलेटेड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि विजुअल स्टिमुलस से संबंधित होंगे, स्किन, और ये जो क्वेश्चन कई बार आते हैं कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है वो स्मेल डिटेक्शन से संबंधित होगा, और गस्टेटरी रिसेप्टर जो होगा वो टेस्ट डिटेक्शन से संबंधित होगा। याद ही रखना है आपको, ऑल्फैक्टरी स्मेल से और गस्टेटरी टेस्ट से रिलेटेड होता है। अब हमने बात करी नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होता है न्यूरोन या नर्व सेल। और न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन के मुख्य रूप से तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट, जो कि इंफॉर्मेशन को सबसे पहले कलेक्ट करता है, फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सोन में, और एक्सोन से लास्ट में नर्व एंडिंग में। तो दूसरा पार्ट हो जाएगा सेल बॉडी एंड एक्सोन, इंफॉर्मेशन ट्रैवल एज अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और थर्ड हो जाएगा साइनेप्स, साइनेप्स ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल मैसेज में, और वो नेक्स्ट न्यूरोन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाय रिलीज ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपको डायग्राम न्यूरॉन का क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, और आप वापस देख सकते हैं कि बाहर जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है वो डेंड्राइट होता है, देन साइटोन या सेल बॉडी नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेल बॉडी के बाद आप देख सकते हैं एक्सोन, और लास्ट पोर्शन जो हो जाएगा नर्व एंडिंग, और उसके आगे वापस दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट शुरू हो जाएगा। उन दोनों दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है साइनेप्स। तो साइनेप्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। अब उसके बाद दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अ क्विक सडन इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ सर्टेन स्टिमुलाई विच इन्वॉल्व्स द स्पाइनल कोर्ट। यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अचानक से इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जिसमें कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ स्पाइनल कोर्ट इन्वॉल्व होगी, ऐसे एक्शंस को कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पूरा पाथवे
है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। सो द पाथवे थ्रू विच इम्पल्सिस पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर सबसे पहले कोई स्टिमुलस है, कोई एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और स्किन ने जैसे ही उसे टच किया तो स्किन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे, वहाँ से सेंसरी नर्व्स जो हैं वो स्किन से ट्रांसफर होंगी स्पाइनल कॉर्ड में, नॉट द ब्रेन। एंड स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व्स जो होंगी वो इफेक्टर ऑर्गन या मसल्स में ट्रांसफर होंगी और उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस हो जाएगा रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस। और ये जो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत जो ये पूरा पाथवे हमने देखा जो कि स्टिमुलस से स्टार्ट होकर रिस्पॉन्स पे ख़त्म हुआ है, उसे कहा गया है रिफ्लेक्स आर्क। अब रिस्पॉन्स तीन प्रकार के हो सकते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज जो कि हमारे फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमें क्या बोलना है, कैसे लिखना है, हमें अचानक से पता चल जाता है कि हम हमें कब धीरे बोलना है किसी के आने पर, तो क्या बोलना है, किससे किस तरह की बात करनी होती है, तो वो वॉलंटरी मसल्स के अंतर्गत आ जाएगा। इनवॉलंटरी मसल्स जो कि कंट्रोल्ड होता है हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू इनवॉलंटरी एक्शंस। और रिफ्लेक्स एक्शन जो कि हमारे स्पाइनल कोड के थ्रू होगा, एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को टोटल तीन हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा CNS अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड हो जाएगा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड हो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS के भी दो पार्ट हैं, PNS के भी दो पार्ट हैं और ANS के भी दो पार्ट हैं, आप एज इट इज इसको याद कर सकते हैं। CNS में दो पार्ट हो जाएंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड, PNS में ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स, और ANS में आ जाएंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कोड किसके पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, और ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स हैं जो कि PNS का पार्ट हो जाएगा उन्हें कहा जाएगा क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व्स को कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन के आपको तीन पार्ट पता होने चाहिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सो अब हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन हैज़ थ्री मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है इसका, जिसे कहा जाता है सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम और सेरिबेलम में आप कंफ्यूज ना हो, सेरेब्रम इज़ द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड सेरिबेलम इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरेब्रम के फंक्शन मेमोरी से रिलेटेड, थिंकिंग से संबंधित सारे कार्य सेरेब्रम के होते हैं। सो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल ऑफ ऑल द वॉलंटरी एक्शंस, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, इट रिसीव्स सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट। तो वो मेन सेरेब्रम इसका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में जो कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करने का काम करता है, और लास्ट हो जाएगा हैंड ब्रेन जिसके तीन पार्ट आपको याद रखना है, सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स। सेरिबेलम विच कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, हम प्रॉपर जो चलने का बैलेंस बनाते हैं या हमारा पोस्चर होता है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। सेकंड मेड्यूला कंट्रोल सम इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग, और पोन्स इज रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रेन का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सबसे बाहर जो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो है सेरेब्रम का जो कि थिंकिंग पार्ट है। आप बाहर देख सकते हो इतने फोल्ड्स के, अखरोट के जैसा बाहर का पार्ट आपको दिख रहा है उसके। ये जो पूरा ब्रेन है वो स्कल के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद राइट और लेफ्ट पार्ट जो है वो कॉर्पस कैलोसम के थ्रू डिवाइडेड है। मिड ब्रेन आप देख सकते हो, हिंड ब्रेन के तीन पार्ट पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम नीचे की साइड आपको देख सकते हैं, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो निकल रही है। तो ये सब आप यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम में देख सकते हैं। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फील्ड विद बलून विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड एनक्लोज्ड इन क्रेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि ऊपर ऊपर स्कल या क्रेनियम जो है वो दिया हुआ है डायग्राम में, जिसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, और स्पाइनल कोड किसके अंदर एनक्लोज रहती है, वर्टिब्रल कॉलम।
अब किस प्रकार से नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ में कोऑर्डिनेशन होता है, अभी जैसा हमने देखा ही है कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, और कौन सी नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू, नर्वस सेल्स के थ्रू इसे कलेक्ट किया जाएगा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। अब ये जो सेंसरी नर्व्स होंगी वो ट्रांसफर होंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय CNS एंड डिसीजन मेड बाय CNS। अब फिर मोटर नर्व्स जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी, वो मसल्स तक जाएंगी और मसल्स की शेप में या अरेंजमेंट जो है प्रोटीन का उनमें चेंजेस आएंगे और मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसी के थ्रू फाइनल एक्शन होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है नर्व टिश्यू और मसल टिश्यू में। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है, मूवमेंट होता है। तो अगर हम देखें कि प्लांट्स में दो तरीके से मूवमेंट हो सकता है, एक तो मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ। एक छोटा सा प्लांट है, उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है तो वहाँ पे उसका ग्रोथ भी हो रहा है और उसका मूवमेंट भी हो रहा है। और दूसरा होता है मूवमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अगर आपने किसी टच मी नॉट प्लांट को टच किया तो उस वहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो वो इमीडिएट रेस्पॉन्स हुआ है उसका स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो जो ऐसा मूवमेंट जिसमें प्लांट में ग्रोथ भी होती है उसे वापस चार टाइप में डिवाइड किया है, और इसे ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को नेस्टिक मूवमेंट कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को टोटल चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फोटोट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट विच इज़ रिलेटेड टू सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर प्लांट का डायरेक्शन जो है वो सनलाइट के टूवर्ड्स हो जाता है किसी पार्ट का, तो वो फोटोट्रॉपिज्म होगा। फोटोट्रॉपिज्म भी दो प्रकार से हो सकता है। फोटोट्रॉपिज्म भी दो प्रकार से हो सकता है। पहला हो जाएगा मूवमेंट विच टूवर्ड्स द लाइट, और सेकंड हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म, जो कि हो जाएगा ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, कि ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ अगर किसी प्लांट पार्ट का ग्रोथ होती है तो वो जियोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म जो स्टेम्स हैं प्लांट के वो फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, और रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेंगी। वहीं इसका उल्टा जियोट्रॉपिज्म की हम बात करते हैं तो रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी और स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। केमोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म यानी किसी केमिकल मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल्स, किसी केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से किसी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट की ग्रोथ होना, उसे कहा जाएगा केमोट्रॉपिज्म। जैसे कि पॉलन ट्यूब जो होती है वो ओव्यूल की टूवर्ड्स ट्रांसफ़र होती है, तो वो एक केमोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। और अगर मूवमेंट वाटर की टूवर्ड हो रहा है तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ प्लांट हॉर्मोन्स। केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट रेस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स आपको चार प्लांट हॉर्मोन्स देखने हैं। ऑक्सिन जो कि शूट टिप पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वहाँ पर सिंथेसाइज होता है, और इसका मेन फंक्शन ग्रोथ से रिलेटेड होता है, फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड होता है, मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म और ऑक्सिन आर कोरिलेटेड। जिब्रेलिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, अगर पर्टिकुलर प्लांट की जितनी ग्रोथ है उसको रोकने का काम करता है। लीव्स जो एक टाइम के बाद गिर जाती हैं प्लांट से, वहाँ पे काम आता है। इथाइलिन भी एक हार्मोन है जो कि फ्रूट्स की राइपनिंग में काम आता है। एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन। तो आपको ये चार और पाँच जो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये और इनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। सो हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स मैसेंजर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या डक्टलेस ग्लैंड है उनसे क्या सिक्रिट होते हैं, हॉर्मोन सिक्रिट होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या सिक्रिट होते हैं, एंजाइम्स सिक्रिट होते हैं। तो यहाँ हम हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रिट होते हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यू यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज। अब आपको पता होनी चाहिए एक तो हॉर्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, कौन सी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, सबसे पहले थायरोक्सिन हॉर्मोन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से
रिलीज होता है और इसकी लोकेशन होती है नेक या थ्रोट रीजन से। फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन। सेकंड होता है ग्रोथ हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसकी लोकेशन ब्रेन। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एड्रिनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से जो कि किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, और इट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। टेस्टोस्टेरन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन, ओके, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम कर सकते हैं। दीज आर टेस्टिस एंड ओवेरीज विच आर गोनेड्स एंड दीज आर प्रेजेंट एट द लोअर एब्डोमेन एरिया एंड दीज आर रिलेटेड टू प्यूबर्टी, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड हो जाएंगे। पांचवा हार्मोन हो जाएगा इंसुलिन जो कि पैनक्रियाज के थ्रू सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और इसकी जो लोकेशन है बिलो स्टमक एंड इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो उसकी कमी से गॉइटर डिजीज हो जाती है। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन की तो उसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। उसका ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि पेशेंट्स को इंजेक्शंस दिए जाते हैं इंसुलिन हार्मोन के, ताकि ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेगुलेट रहे। अब एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है जिसे बोला जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। इट मेक श्योर द हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। अब हार्मोन्स का बॉडी में सिक्रीशन होता है तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही सिक्रीशन हो, कंट्रोल्ड वे में ही सिक्रीशन हो, तो वो सब चीज़ें रेगुलेट होती हैं एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। और इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है ब्लड में तो ये किसके थ्रू? बीटा सेल्स जो होती हैं पैनक्रियास की, उनके थ्रू डिटेक्ट होगा। उससे क्या होगा? इंसुलिन का सिंथेसिस होगा। इंसुलिन का सिंथेसिस होने से ब्लड शुगर लेवल को वो कंट्रोल करता है, तो ब्लड शुगर लेवल वापस फॉल्स होगा एंड आफ्टर दैट जो ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो रहा था वो होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि एक फीडबैक सेंड किया गया जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो था वो वापस लेवल में कर दिया गया। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि कौन सा हार्मोन कितनी क्वांटिटी में ही सिक्रीट होना चाहिए, वो कंट्रोल्ड वे में सिक्रीट होना चाहिए एट द राइट टाइम, विच इज़ रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेयर इज ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड इन प्लांट? टिप ऑफ द स्टेम। विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेम द हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, हमने अभी देखा हार्मोन इंसुलिन। साइनेप्स क्या है? इट इज़ अ गैप बिटवीन टू न्यूरोन्स। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट आर रिलेटेड टू ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, आपको ये याद रखना है। और इसका एग्जाम्पल आप फोटोट्रॉपिज्म दे सकते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म दे सकते हैं, जियोट्रॉपिज्म दे सकते हैं। हॉर्मोन्स की डेफिनेशन अभी हमने देखी है। विच हॉर्मोन इज इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो इनहिबिटिंग का यानी रोकने का काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? सीएनएस के कंपोनेंट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद व्हाट हैपन्स एज साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, वही हमने अभी देखा कि स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ पे देख लिया था कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में होता क्या है। तो साइनेप्स में क्या होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्राम ऑफ न्यूरोन, रिफ्लेक्स आर्क, सेरिबेलम एंड पोन्स के फंक्शंस आप बता सकते हैं, डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन से रिलेटेड आ जाएगा, और व्हाई इट इज़ एडवाइज्ड टू यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि उसकी कमी से क्या हो सकता है? गॉइटर डिजीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये पूरा एक दिया हुआ है, आयोडीन मिनरल इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनाइन हॉर्मोन, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट एज इन टर्न इट इज़ एसेंशियल फॉर थायरॉयड ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म फॉर बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन माइट कॉज डिजीज कॉल्ड गॉइटर। आफ्टरवर्ड्स व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? पर्टिकुलर स्टिमुलाई वाले एरिया से सीएनएस तक मैसेज को पहुंचाना और सीएनएस से इफेक्टर तक को मैसेज पहुंचाने का काम होता है मोटर न्यूरॉन्स का। हॉर्मोन्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। फिर मेल्स में जो चेंजेस होते हैं उसका रीज़न क्या है? ब्लड शुगर ग्लूकोज लोअरिंग, उसका रीज़न क्या हो सकता है? और आपको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने
कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो ये क्विक रिकैप हो चुका है आपके चैप्टर नंबर 7 का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद।